जनता बोलेगी सुनेंगे सब बेबाक बेखौफ बोल इंडिया बोल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हर्षिता चौधरी और आप देख रहे हैं बोल इंडिया बोल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की छोटी बहन प्रियंका गांधी के राजनीति में कदम रखने से बीजेपी के खेमे में खलबली सी मच गई है। प्रियंका के लोकसभा चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी का कहना है कि हम बैक फुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर खेलेंगे। फिर कांग्रेस वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के ट्वीट पर सवाल उठने लगे, क्या प्रियंका गांधी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगी। दरअसल कपिल सिब्बल ने गुरुवार को ट्वीट किया, मोदी जी और अमित शाह ने कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किया था, प्रियंका गांधी के अब पूर्वांचल की सियासत में आने से हम देखेंगे मुक्त वाराणसी, मुक्त गोरखपुर, ये दोनों सीटें पूर्वांचल में आती हैं, जहां की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को सौंपी गई। कांग्रेस को इस इलाके में पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रियंका को वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि पूर्वांचल एक दौर में कांग्रेस का मजबूत इलाका हुआ करता था, इंदिरा गांधी के दौर में कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे और वाराणसी सीट से 1980 में सांसद भी चुने गए थे। हर अपडेट से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें बोल इंडिया बोल।